इतनी बड़ी सौगात इंदौर को मिली है। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत पीछे से आगे तक करो। शंकर भी आप भी ताली बजाओ। आदरणीय मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे सीनियर मंत्री प्रभारी मंत्री बाला बच्चन जी, आदरणीय सांवेर के लोकप्रिय विधायक और हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय हम सबके अजीज और मेट्रो हमारे शहर में आई तेजी से दौड़ेगी, ऐसे युवा मंत्री जिनके नेतृत्व में दौड़ेगी, जयवर्धन सिंह जी, जरा इनकी भी तालियों से स्वागत करो। मंच पर विराजित विधायकगण, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय विशाल पटेल जी, आदरणीय हमारे परिवार के संजय शुक्ला जी, हमारे राजगढ़ से विधायक आए हैं, आदरणीय सभी सम्मानित हमारी नेता प्रतिपक्ष नगर निगम परिवार को पूरी ताकत से इंदौर शहर के विकास में जन भागीदारी देने वाली फौजिया शेख हलीम जी, आदरणीय शोभा ओझा जी, आदरणीय अर्चना जयसवाल जी, आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी, आदरणीय पाची मीणा जी, रघु परमार जी, हेमंत पाल जी, आदरणीय हमारे विनय बाकलीवाल जी, शहर कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी, आदरणीय सलूजा जी, आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष यादव जी, आदरणीय मोहन सेंगर जी, पंकज संघवी जी, मंच पर विराजित सभी सम्मानित परिवारजन और आप सब साथियों, 2008 और DPR और 2019 भूमि पूजन, एक जैसा जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि जब सैंक्शन की थी विचार को मूर्त रूप दिया था, जब भी कलम किसकी चली थी, वो सौभाग्यशाली हम लोग इंदौर के शहरवासी, मैं इंदौर का नागरिक होने के नाते कमलनाथ जी को शत शत नमन करता हूं पूरे इंदौर की ओर से। कमलनाथ जी, आपने इतनी बड़ी सौगात पहले दिन भी दी और भूमि पूजन भी किया, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं मानता हूं इस बात को कि हर चुनाव में मेट्रो का मुद्दा आता था, मैं मानता हूं इस बात को कि हर चुनाव में हम लोग जब वोट देते थे तो इस आस से देते थे कि मेट्रो आएगी, पर इस बार जब भूमि पूजन हुआ है तो बिना आस से, बिना वोट से, बिना लालच से, सिर्फ सेवा से हुआ है और वो कमलनाथ जी ने किया है। यह भाव इंदौर की जनता के बीच में, घर घर एक एक व्यक्ति के बीच में एहसास होता है इस बात का। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना अनुरोध करना चाहता हूं, जब विकास की बात होगी तो यह सरकार सकारात्मक एक पॉजिटिविटी से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा विचार करेगी। और शंकर भैया, आप प्रयास करें केंद्र से वो योजनाएं जो इंदौर शहर के हित में आ सकती हो, मध्य प्रदेश सरकार खुले हाथ से, खुले मन से हमेशा तत्पर होगी इंदौर के विकास के लिए, यह हमें आपका, हम आपको खुले मन से आश्वस्त करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, एक मुद्दा इस शहर का है। पहले आपने प्रयास किया था अवैध कॉलोनियों को अवैध करने का, उसमें कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो इंदौर शहर की जनता के सामने है, पर एक मुद्दा है मिल मजदूरों का, हुकमचंद मिल का। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हुकमचंद मिल के मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। आपने जिस तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखा, आपने हमेशा उस वर्ग का जिसको सबसे ज्यादा सरकार की आवश्यकता हो उसकी ओर देखा, वो चाहे किसान के ऋण माफी की बात हो, चाहे आदिवासियों के अधिकारों की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में बहनों के विवाह की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो। हमारे इंदौर शहर से कई साल से हमारे मिल मजदूर परेशान हो रहे हैं। इस कोर्ट ने निर्देशित किया है कि उस जमीन को बेच के मजदूरों का अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो मैं अनुरोध करता हूं आपसे, इंदौर के उन मिल मजदूर परिवारों की ओर से, कि उस पर आप ध्यान दे के जल्दी से उनका, उनको अधिकार मिले। इस आश्वासन के साथ सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, इंदौर वासियों को मेट्रो की सौगात। जैसा जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि जब पहली मेट्रो की यात्रा हो, जयवर्धन जी पहली मेट्रो की जब यात्रा हो उसको हरी झंडी भी मुख्यमंत्री दिखाएं, इतनी जल्दी करना है आपको, बस ये ध्यान रखना इसी कार्यकाल में। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।